हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई विल टीच यू साइंस क्लास फिफ्थ चैप्टर नाइन फोर्स एनर्जी एंड मशीन्स। लेट्स नाउ वी स्टार्ट इट। फोर्स एनर्जी एंड मशीन्स आर द पार्ट ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज। फोर्स एनर्जी एंड मशीन्स और मशीनें आर हैं द पार्ट ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़, हमारी डेली एक्टिविटीज़ का हिस्सा। लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखो। एंड राइट एज रिक्वायर्ड फॉर दिस, और उनमें राइट करना है जिसकी हमें रिक्वायर है। फर्स्ट पिक्चर में है वी ईट टू गेट एनर्जी आवर बॉडी। तो हमें एनर्जी के लिए हम क्या खाते हैं, फूड खाते हैं। वी ईट फूड टू गेट एनर्जी आवर बॉडी, यहाँ पर हम फूड फिल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ए बॉय फोर्सेस टू किक द बॉल। एक लड़का क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है बॉल को किक करने के लिए, उछालने के लिए। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे फोर्सेस। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट एनर्जी। वी कैन हियर साउंड ऑफ ए डोर बेल ड्यू टू साउंड एनर्जी। इस तरह से हमें इसमें सारे में फिल करना है। तो नेक्स्ट पे हम आते हैं फोर्स। वी स्टार्ट आवर डे विथ लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज दैट इवॉल्व ए पुश आर ए पुल। ए फोर्स इज ए पुश आर ए पुल। वी स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं आवर डे, अपना दिन, विथ लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज से, दैट इवॉल्व ए पुश आर ए पुल, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को पुश करना होता है या पुल करना होता है। ए फोर्स इज ए पुश आर ए पुल। एक फोर्स क्या है, इज ए पुश है आर ए पुल या फिर पुल है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, टू मूव एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को मूव करना। वी नीड आइदर पुश आर पुल। वी नीड, हमें ज़रूरत होती है आइदर पुश आर पुल, उसे खींचने की या दबाने की। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है, दैट ए फोर्स ऑलवेज मूव्स एन ऑब्जेक्ट, दैट कि एक फोर्स ऑलवेज मूव्स, हमेशा मूव करे एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, वेन वी अप्लाई फोर्स टू पुश ए वॉल। वेन, जब वी अप्लाई, हम लगाते हैं फोर्स, बल, टू ए पुश ए वॉल, एक वॉल को, एक दीवार को धकेलने के लिए। इट डज नॉट मूव, ये हिलता नहीं है, ये मूव नहीं होता, बट हमारी जो एनर्जी होती है वो उस वॉल पे ज़रूर वेस्ट होती है। तो यही बताया गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी चीज़ को अगर हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो मूव ही हो, वो मूव नहीं भी हो सकती है, बट हमारी एनर्जी लॉस होगी। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स शो मैनी इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट्स। फोर्स दिखाता है मैनी इफेक्ट्स, बहुत सारे इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों पर। ए फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव आर मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। एक फोर्स जो है कैन मेक, बना सकता है ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, आर मेक अथवा बनाने के लिए ए मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज़ को अधिक तेज। ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, और एक फोर्स जो होता है कि हम किसी भी चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं, किसी भी चलती हुई चीज़ को हम रोक सकते हैं, इसमें भी हमारा फोर्स लगता है, एनर्जी लगती है। द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शंस इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। द फोर्स कैन चेंज, फोर्स जो होता है वो चेंज कर सकता है डायरेक्शन, दिशाओं को, इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, जिस दिशा में कोई चीज़, ऑब्जेक्ट जा रही हो। ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स जो होता है कैन चेंज कर सकता है द शेप, आकार को, एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और साइज को किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की। नेक्स्ट पे हम आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेज। फोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। फोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। फोर्सेज जो होते हैं वो मेन रूप से टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड फील्ड फोर्स। फर्स्ट आते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्सेज पे।
व्हेन ऑब्जेक्ट्स टच ईच अदर, व्हेन जब ऑब्जेक्ट्स वस्तुएं टच ईच अदर एक दूसरे को टच करती हैं, ए फोर्स हैपेंस एक फोर्स होता है बिटवीन देम उनके बीच में, नॉन एज कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स आर, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि फोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड फील्ड फोर्स, अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स एक्योर्स व्हेन वी यूज आवर मसल्स टू पुश आर पुल समथिंग। मस्कुलर फोर्स जो हमारा मांसपेशीय फोर्स होता है एक्योर्स ज़रूरत होती है व्हेन जब वी यूज आवर मसल्स टू पुश, व्हेन वी यूज जब हम यूज करते हैं आवर मसल्स अपने मांसपेशियों को अपने मसल्स को टू पुश आर पुल पुश करने के लिए या पुल करने के लिए समथिंग किसी भी चीज़ को। पैडलिंग द बाइसाइकिल जैसे कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो उसके पैडल को चलाते हैं। प्लकिंग द फ्रूट्स को तोड़ने में एंड क्लोजिंग द डोर और डोर को दरवाजे को बंद करने के लिए आर सम एग्जांपल्स ऑफ मस्कुलर फोर्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मस्कुलर फोर्स के। नेक्स्ट हम आते हैं इलास्टिक फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का दूसरा टाइप है इलास्टिक फोर्स। एन इलास्टिक फोर्स हैपेंस एक इलास्टिक फोर्स तब होता है व्हेन जब समथिंग इज बीइंग स्ट्रेच्ड आर कंप्रेस्ड जब किसी चीज़ को स्ट्रेच किया जाए खींचा जाए आर कंप्रेस्ड या फिर कंप्रेस किया जाए। इट एक्ट्स टू रिटर्न ए स्प्रिंग टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। इट एक्ट्स इस एक्ट में टू रिटर्न वापस हो जाता है एक स्प्रिंग टू इट्स ओरिजिनल लेंथ वो अपनी पहले की लेंथ में वापस आ जाता है। द कॉर्ड इन बंगी जंपिंग ए रबर बैंड आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलास्टिक फोर्स। ए कॉर्ड इन बंगी जंपिंग ए रबर बैंड एक रबर बैंड का आर सम एग्जांपल है इलास्टिक फोर्स का। नेक्स्ट है बोयंट फोर्स। दिस फोर्स इज अप्लाइड ऑन एवरी ऑब्जेक्ट पुशिंग डाउन इनटू द वाटर। दिस फोर्स ये फोर्स इज अप्लाइड लगाया जाता है ऑन एवरी ऑब्जेक्ट उस प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर पुशिंग डाउन इनटू द वाटर जिसको पानी में पुश करना होता है धकेलना होता है। अप थ्रस्ट ऑफ दिस फोर्स कैन बी फिल्ड बाय पुशिंग ए टम्बलर इन वेसल फिल्ड विथ वाटर एंड व्हेन ए स्विमर एंटर द स्विमिंग पूल। द अप थ्रस्ट ऑफ दिस फोर्स इस फोर्स को कैन बी फिल्ड महसूस किया जाता है बाय पुशिंग ए टम्बलर इन वेसल टम्बलर के द्वारा इन वेसल्स में फिल्ड विथ वाटर जब पानी भरा जाता है एंड व्हेन और तब ए स्विमर इंटर्स स्विमिंग पूल ए स्विमर एक तैरने वाला इंटर्स जाता है द स्विमिंग पूल में। फ्रिक्शनल फोर्स नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस द फोर्स ऐसा फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस जो दो सरफेस के बीच लगता है विच आर इन कॉन्टेक्ट विथ वन अनादर विच जो आर इन कॉन्टेक्ट में होता है विथ वन अनादर एक दूसरे के। इट स्लोज आर स्टॉप्स मोमेंट बिटवीन द टू सरफेसेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सरफेसेस विच आर इन इट स्लोज आर स्टॉप्स ये स्लो होता है अथवा स्टॉप होता है मोमेंट बिटवीन द टू सरफेसेस दो सरफेसेस के बीच में अकॉर्डिंग टू द नेचर उसकी प्रकृति के अनुसार ऑफ द सरफेसेस जो सरफेस होता है। स्मूथ सरफेसेस केस लेस फ्रिक्शन जो स्मूथ सरफेस होता है चिकनी सतह होती है केस लेस फ्रिक्शन उसमें कम फ्रिक्शन होता है देन द रफ वंस रफ सरफेस की जगह पे। वी कैन वॉक आर स्टैंड ईजली ऑन ग्राउंड वी कैन वॉक हम चल सकते हैं आर स्टैंड अथवा खड़े रह सकते हैं ईजली आसानी से ऑन ग्राउंड मैदान में बिकॉज क्योंकि ऑफ दिस फोर्स क्योंकि उसका जो वो फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसकी वजह से। वी आर आल्सो एबल टू राइट आर होल्ड ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स वी आर आल्सो एबल हम योग्य भी होते हैं टू राइट लिखने के आर होल्ड अथवा पकड़ने के ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स के कारण।
फ्रिक्शन बिटवीन शू सोल्स एंड ग्राउंड प्रिवेंट शिपिंग वाइल वॉकिंग. फ्रिक्शन जो होता है बिटवीन शू सोल, जूते के सोल के, एंड द ग्राउंड और मैदान के, प्रिवेंट बचाता है शिपिंग वाइल वॉकिंग फिसलने से. वाइल वॉकिंग जब हम चलते हैं, वॉकिंग करते हैं. तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हम बस यहीं तक पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सेकंड पार्ट पढ़ाया जाएगा. तब तक आप इसको अच्छे से लर्न करिए और जो ना समझ में आए उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए. थैंक यू.